क्या जीवन का कोई अर्थ है और क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये गहरे प्रश्न मानवता को हमेशा से आकर्षित करते आए हैं और इन्हीं सवालों से हम अपने अस्तित्व की खोज में निकलते हैं। ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में वैज्ञानिकों के विचारों में विविधता है। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, एक अविश्वसनीय घटना जिसने इस विशाल संसार की नींव रची। लेकिन जीवन के अस्तित्व के बारे में वैज्ञानिकों की राय अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्या यह किसी दिव्य योजना का परिणाम है या सिर्फ एक संयोग? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। पृथ्वी के अलावा भी संभावित जीवन के लिए अन्य ग्रह मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए जीवों को किस तरह के विभिन्न पर्यावरण की आवश्यकता होती है, यह एक रहस्य है जिसे हमें अनलॉक करना है। वैज्ञानिकों ने यह तथ्य स्थापित किया है कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा ऐसी सामग्री से बना है जो हमारी समझ से परे है। इसे डार्क मैटर कहा जाता है और यह सामान्य पदार्थ से बहुत अलग है। इस अज्ञात सामग्री की गहराई में जाने और अंधेरे ऊर्जा और अंधेरे पदार्थ के गुणों को समझने के लिए अनुसंधान जारी है। ये कारक ब्रह्मांड के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखें, अंधेरे ऊर्जा और अंधेरे पदार्थ हमारे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अदृश्य है और इन्हें भौतिक विकिरण के जरिए नहीं देखा जा सकता। ये रहस्य हमें अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी चेतना और अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति जागरूकता हमें अन्य जीवों से अलग बनाती है। यह हमें सवाल पूछने और विचारों का आदान प्रदान करने की अद्वितीय क्षमता देती है। काले छिद्र, एक जटिल ब्रह्मांडीय संरचना, ये जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि यह प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है। ये रहस्यमय तत्व हमें ब्रह्मांड की गहराई में ले जाते हैं। वर्तमान खगोलशास्त्र का कहना है कि काले छिद्र एक अन्य ब्रह्मांड में जाते हैं। इससे हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में नए विचार पैदा होते हैं और हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। भूतों के अस्तित्व पर विभिन्न मत है। कुछ लोग इसके प्रति आस्था रखते हैं, जबकि अन्य इसे केवल कहानियों के रूप में देखते हैं। विज्ञान ने भूतों के लिए ठोस साक्ष्य नहीं खोजा है, फिर भी यह चर्चा जारी है। सपनों के बारे में विज्ञान ने कुछ रोचक जानकारी प्राप्त की है, जैसे कि मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं कैसे इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का आदान प्रदान करती है। जापान में ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने सपनों को फिर से देख सकते हैं। सपनों में दिखाई देने वाली चीजें हमारे मन की स्थिति को दर्शाती है, जैसे डर या खुशी का अनुभव। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सपने हमारी जिज्ञासा को कैसे प्रभावित करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस पर विभिन्न धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं हैं। स्वर्ग और नरक की धारणा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य के अस्तित्व की उत्पत्ति पर भी विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जैसे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि धूमकेतु इसके कारण हो सकते हैं, जो एक संभावित स्रोत है। धूमकेतुओं के गिरने से जीवन का विकास कैसे हुआ, इस पर विचार किया गया है। लेकिन यह भी एक प्रश्न है कि कुछ धूमकेतु अन्य स्थानों पर क्यों नहीं गिरे। यह ध्यान देने योग्य है। जैसे हम चर्चा करते हैं, बाइक के पहियों की पतली संरचना पर भी विचार करना आवश्यक है। यह समझना चुनौतीपूर्ण है कि बाइक चलते समय कैसे सीज में रहती है, और यह भी एक रहस्य है। बाइक के चलने के दौरान विभिन्न बलों का काम कैसे होता है, यह एक जटिल संरचना है। इस पर अब तक कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं दिया गया है, लेकिन यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।